करण के शो से नाराज हैं रणबीर कपूर, बोले जबरदस्ती बुलाकर हमारे नाम पर पैसे बनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर बहस तेज हो गई है। स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए मशहूर करण जौहर कई फैंस के निशाने पर हैं और सोशल मीडिया पर ये फैंस करण जौहर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। करण के शो कॉफी विद करण को लेकर भी फैंस में काफी ज्यादा गुस्सा है। दरअसल आलिया भट्ट ने शो के एक हिस्से में कहा था कि वो रणबीर कपूर से शादी करना चाहती हैं, रणबीर सिंह के साथ हुकअप करना चाहती हैं और सुशांत सिंह राजपूत को किल करना चाहती हैं। इस क्लिप के वायरल होने के बाद कई फैंस ने आलिया भट्ट की भी जमकर आलोचना की थी और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में भी कमी आई थी। कॉफी विद करण से जुड़ा हुआ रणबीर कपूर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। AIB के साथ इंटरव्यू में रणबीर से पूछा गया कि क्या आप कॉफी विद करण से थक नहीं चुके हैं। इस बात पर बात करते हुए रणबीर ने कहा, हाँ मैं थक चुका हूँ, मैंने बोल भी दिया था कि मैं सीजन का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, मैं और अनुष्का शर्मा तो प्रोटेस्ट करने वाले थे और पूरी इंडस्ट्री को साथ लेना चाहते थे कि ये सही नहीं है। करण जौहर इस शो से पैसे बनाता है, हमें शो पर बयानों की वजह से पूरे साल निशाना बनाया जाता है, हैम्पर में भी हमें कुछ नहीं मिलता, हर बार बस आईफोन पकड़ा देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि किसी भी अन्य डायरेक्टर की तरह ही करण जौहर किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करने को लेकर फ्री हैं और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का सहारा लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है।